मैडम, ये पैसे आपके हैं क्या? हाँ, मेरे ही तो पैसे हैं, थैंक यू। अरे मैडम, पक्का आपके पैसे नहीं है? अबे ओ, तुझे बोला ना मैंने, ये मेरे ही पैसे हैं, मैं किसी और के पैसे क्यों उठाऊंगी? मैडम आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, लगता तो नहीं आपके पैसे हैं। अच्छा, इसका मतलब तू मुझसे ये बोलना चाहता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। देख अपना औकात मेरा समझा ना, वो तो मैं तो इसलिए कुछ नहीं कह रही हूँ क्योंकि तूने मेरे पैसे खोने से बचाए हैं, वरना अब तक तो ना मैं तेरा मार मार के भूत बना देती। अरे मैडम मैं तो पूछ ही तो रहा हूँ, आप बिना बात गुस्सा हो रहे हो। पूछ रहा है? अरे तुम जैसे लोगों की ना औकात नहीं है कि वो मुझसे बात भी करें, और तू शुक्र मना कि मैं ना किसी अर्जेंट काम से जा रही हूँ, वरना मैं ना तेरा बहुत बुरा हाल करती। अरे भाई साहब, ये पैसे आपके हैं क्या? हाँ ये पैसे मेरे हैं। अरे साहब आप ही के पैसे हैं, किसी और के लेके जा रहे हो? अबे ओए, ये पैसे मेरे हैं, दिखता नहीं है क्या बेवकूफ कहीं का? लगता तो नहीं है, ये पैसे आपके हैं। अबे ओए, ये पैसे मेरे हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? दो कोड़ी के गार्ड यहाँ पे खड़ा रहे। अरे साहब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अबे ओए, मेरा दिमाग खराब मत कर, वरना तुझे इतना मारूंगा ना जिंदगी भर याद रखेगा। अब खड़ा रहे यहाँ पे बदतमीज। भी मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं, हे भगवान। अरे मैडम ये पैसे आपके हैं क्या? ने सारे पैसे? अरे नहीं नहीं भैया, ये पैसे मेरे नहीं है। अरे मैडम आप ही के होंगे, और तो कोई आया नहीं यहाँ पे। अरे भैया अगर ये पैसे मेरे होते तो मैं यूं नौकरी के लिए धक्के क्यों खा रही होती? मेरे ऊपर तो खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। इतने सारे पैसे अगर मेरे पास होते तो मैं आज खाने के लिए नहीं तरस रही होती, और मैं तो नौकरी के लिए जा रही हूँ। मेरी ऐसी हालत है ना कि मेरे पास ठीक कपड़े नहीं है इंटरव्यू देने के लिए, और आप कह रहे हो इतने सारे पैसे मेरे हैं। नहीं नहीं भैया, ये पैसे मेरे नहीं है, किसी और के होंगे, आप किसी और से पूछ लेना। कोई बात नहीं मैडम, ये पैसे आपके नहीं है, आप फिर भी रख लीजिए। अरे नहीं नहीं भैया, आप ये पैसे रखो, मैं बेईमानी के पैसे नहीं रख सकती, किसी ने बहुत मेहनत से कमाए होंगे ये पैसे, जिसके भी हो भैया उसको दे देना, बहुत परेशान हो रहा होगा वो। मैडम आप बहुत अच्छी इंसान हो। अरे नहीं नहीं भैया, इतनी भी अच्छी नहीं हूँ, बस ईमानदार हूँ, और अगर आपको कुछ करना ही है ना मेरे लिए तो दुआ करना कि आज मेरी नौकरी लग जाए। आपकी तो नौकरी पक्की होगी मैडम, आप जैसे इंसान की तो हर कंपनी में जरूरत है। जी शर्मा जी, डील फाइनल हो गई। ओके सर, जैसे जैसे आपने बोला वैसे वैसे मैंने कर दिया, लेकिन सर एक बात नहीं समझ में, ये इंटरव्यू लेने का कौन सा तरीका है? ये मेरा अंदाज है इंटरव्यू लेने का, क्योंकि आए दिन जो एम्प्लॉयज कंपनीज में आते हैं वो हमेशा अच्छा ही बन के दिखाते हैं, ईमानदार बन के दिखाते हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो सच में ईमानदार है या नहीं? तो बस मैंने यही रास्ता निकाला है। अब तुम मुझे बताओ कि जो मैंने तुम्हें कहा था करने को वो तुमने कर दिया है, तो उन तीनों में से कौन काबिल है कौन नहीं? सर उन तीनों में से एक साक्षी नाम की लड़की है जो बहुत ही ईमानदार है। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम अभी जाओ और उन तीनों से मैं बात करता हूँ, और हाँ जब मैं तुम्हारा नाम पुकारूँ तुम उसी टाइम आ जाना। ठीक है सर। आप यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आए हैं? हाँ मैं भी यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आया हूँ, और ये तुम्हारे साथ आ गया? अरे नहीं नहीं मेरे साथ नहीं है, तो देखो ना इसके कपड़े कितने गंदे हैं, कि मेरे साथ कैसे हो सकती है? एक्सक्यूज मी, आप भी यहाँ इंटरव्यू देने आई हो? जी हाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। आप भी यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हैं? हाँ हम भी यहाँ पर इंटरव्यू देने आए हैं, लेकिन तेरी ना हालत देख के लग रही रहा कहीं से भी कि तू यहाँ इंटरव्यू देने आई है। अरे अपने कपड़े देखना कितने गंदे लग रहे हैं, और ये चप्पल, चप्पल पहन के इंटरव्यू देने कौन आता है? अबे ओए तुझे बिल्कुल भी तमीज नहीं है, ये कैसे कपड़े पहन के आई इंटरव्यू देने के लिए? ऐसा लग रहा है जैसे झाड़ू पोछा करने वाली हो, गवार कहीं की। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है तू। वैसे एक बात बताओ, तुम यहाँ पर किस चीज का इंटरव्यू देने आई हो? अरे हाँ मुझे लगता है तुम ना यहाँ पर पियोन की जॉब के लिए आई हो, क्योंकि तुम्हारी शक्ल के हिसाब से ना तुम पर वही जॉब सूट करती है। हाँ तू सही बोल रही है, और हाँ तुझे चपड़ासी की नौकरी मिलेगी। और यार हमारे भी कैसे दिन आ गया, हम ऐसे फटीचर लोगों के साथ बैठेंगे वो भी इंटरव्यू देने के लिए। सही कह रहा है तू, और खैर हमें क्या, जब बॉस आएंगे ना और जब इसको धक्के मार के बाहर निकालेंगे तब भी अकल आएगी इसे। बहुत बोल लिया तुम दोनों ने, और तुम दोनों कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि
किसका सिलेक्शन होगा और किसका नहीं, ये तो बॉस डिसाइड करेंगे ना। अरे देखिए उसे कितना फालतू बोल रही है, हालत फटीचर जैसी है और शौक नवाब वाले पाले हुए हैं इसने। जब इंटरव्यू होगा ना और हम लोग सिलेक्ट हो जाएंगे और जब तुझे प्योन की नौकरी मिलेगी तब तू हमारे आगे पीछे पता है कैसे घूमेगी, मैम चाय ले आऊं, मैम आपकी वाली फाइल ले आऊं, मैम पानी ले आऊं, गवार कहीं की, हमारे सामने ना ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझी। तुम्हें पता है तुम जैसे लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, कि तुम लोग गरीब हो, और उससे बड़ी गलती पता है क्या है, कि तुम हम जैसे अमीर लोगों से कंपेयर करते हो अपनी। अगर इतने ही अमीर हो, इतना ही पैसा है तो क्यों आए हो इंटरव्यू देने, और ना सिलेक्शन का तो जब पता लगेगा जब बॉस आके खुद बताएंगे, समझे तुम दोनों। अच्छा तो आप तीनों इंटरव्यू के लिए आए थे, वेल आप तीनों का इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है और आप तीनों ने इंटरव्यू अच्छे से दिया है। क्या, लेकिन सर हमारा इंटरव्यू तो अभी तक हुआ ही नहीं। आप तीनों का इंटरव्यू हो चुका है जिसमें से आप दोनों फेल और साक्षी पास हो गई है। पर सर बिना इंटरव्यू के आप इसको सिलेक्ट कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना सर। और एक बात बताइए आप मुझे, इसमें ऐसी क्या क्वालिटी है जिसके बेस पे आप इसको सिलेक्ट कर रहे हो, हमें क्यों नहीं। ईमानदारी, सच्चाई जो इसमें कूट कूट कर भरी है, और आप दोनों में बिल्कुल भी नहीं है, समझे आप। और आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि आप लोगों का इंटरव्यू कब और कैसे हुआ, तो वो डाउट भी मैं आप तीनों का क्लियर कर देता हूँ। आशु पहचाना आप तीनों ने इसको, ये वही है जो अभी थोड़ी देर पहले आप तीनों को मिला था। और इसने क्या किया, इसने जो पैसे आपको दिए थे आप दोनों ने ले लिए, जबकि वो पैसे आप दोनों के थे ही नहीं। इससे ये पता लगता है कि आप दोनों कितने बेईमान और लालची हैं। और दूसरी तरफ साक्षी है जिसने अपनी ईमानदारी दिखाई, अगर ये चाहती तो वो पैसे ले सकती थी, लेकिन नहीं, इसने वो पैसे वापस कर दिए। और जरा देखो इसकी तरफ, इसके कपड़ों से देख के लगता है कि इसको पैसों की ज्यादा जरूरत थी, लेकिन इसने अपनी ईमानदारी और खुददारी दिखाई, और आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ लालच दिखाया। आप लोगों को पता है ये लालच कितनी बुरी चीज है, अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो इंसान से बहुत बुरे काम करवाती है, जैसे आप लोगों से करवाती है। लेकिन साक्षी, इसने अपनी ईमानदारी और खुददारी दिखाई, तो इससे ये साबित हो गया कि आप दोनों बहुत लालची लोग हैं, और आप जैसे इंप्लॉयज की इस कंपनी को कोई जरूरत नहीं है, और साक्षी जैसे लोगों की इस दुनिया में बहुत जरूरत है, खासकर इस कंपनी को, क्योंकि इन जैसे लोग ना इस कंपनी को अपनी कंपनी समझकर काम करते हैं, और इससे कंपनी का बहुत फायदा होता है। अगर इस कंपनी में मैंने आप दोनों को नौकरी दे दी तो इस कंपनी का तो दिवाला ही निकल जाएगा। वेल, अब आप लोगों के इंटरव्यू का रिजल्ट तो आ ही गया है, तो आप दोनों समझ गए होंगे कि ये नौकरी आप दोनों को नहीं मिलेगी, तो अपनी अपनी फाइल उठाइए और चले जाइए यहाँ से। सर प्लीज, सर मैं मानती हूँ कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हम लोग पैसों के लालच में आ गए थे, प्लीज सर हमें माफ कर दीजिए। सर मुझे मेरी फैमिली में देखनी है, मेरे लिए जॉब बहुत जरूरी है, सर प्लीज मुझे जॉब दे दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सर। सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी सर, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा, और हाँ सर मैंने इस जॉब के लिए बहुत मेहनत की है, सर प्लीज आप ये जॉब मुझे दे दो सर, मुझे सर इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, अगली बार जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाए ना तो ईमानदारी के साथ जाइएगा, समझे आप, अपनी आदत सुधारिए। और हाँ, जो आपने पैसे लिए थे ना बाहर रिसेप्शन पे जमा करके जाना, वरना इस कंपनी से बाहर नहीं जा पाओगे आप दोनों, समझे। और साक्षी वेल डन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, ये नौकरी आपकी हुई, कल से आप 9:30 बजे से आ जाना। थैंक यू सर।